हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी रसोई में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा पराठा की रेसिपी। और ये पराठा बहुत ही आसानी से आप इसको घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसमें मैं आपको दो तरीके से लच्छा पराठा बनाना बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी मैदा ले लिया है मैंने। नॉर्मली लच्छा पराठा तो मैदे से ही बनाया जाता है, बट मैंने इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए गेहूँ का आटा भी ऐड किया है। इसके बाद हम यहाँ पर हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे। और 1 टीस्पून इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे 2 टीस्पून इसमें घी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा पराठा जो है खस्ता बनकर के तैयार होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस पराठे को पूरी तरीके से हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ गेहूं के आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके नॉर्मल डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डो लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको रखे हुए 10 मिनट तक हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से इसको अच्छे तरीके से नीड कर लेंगे, जिससे कि हमारा आटा जो है अच्छे से सॉफ्ट एंड सेट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इसको बराबर बराबर हिस्से में लोइयां बना करके तैयार कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस तरीके से रोटी की लोई बनाकर तैयार करते हैं, उसी प्रोसेस से हमें यहाँ पर लोई को बनाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर लोई को सूखे आटे में डिप करेंगे और इसको रोटी से ज़्यादा बड़ा इसको हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको इतना बड़ा रोल किया है और इसको बिल्कुल पतला रोल करना है। और इसके बाद हम यहाँ पे घी लगा लेंगे अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पे हम सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे इसको पतली पतली लेयर में कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको पतली पतली लेयर में अच्छे से कट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर नाइफ़ की मदद से अच्छे से इसको रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। इसके बाद हम इसको हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे और ट्विस्ट करने के बाद हमें इसको गोल गोल शेप में इसको अच्छे से रोल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। इसके बाद हमें यहाँ पे जो एंड वाला हिस्सा है उसको हम नीचे के साइड दबा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको नीचे के साइड अच्छे से इसको दबा करके सेट कर लिया है। इसके बाद हम इसको सूखे आटे में डिप करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसके बाद लिया है सफ़ेद तिल। और इसके बाद हमें यहाँ पर इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती की गार्निशिंग कर लेंगे और इसको रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत अच्छे से रोल कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमारा पराठा जो है अच्छे से रोल हो चुका है। तो गैस पर मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके बाद हमें यहाँ पर पराठे को सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब पराठा जो है एक तरफ से सिक जाए तो उसके बाद हमें इसको पलट देना है। और इसके बाद यहाँ पे हम ऑयल या बटर लगा करके अच्छे से सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे घी लगाया है और दूसरी तरफ भी हमें इसको पलट करके अच्छे से इस पर घी लगाकर सेक लेना है पराठे को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें घी लगा करके इसको अच्छे से सेक लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा पराठा जो है अच्छे से सिक चुका है। इसके बाद हम इसको तवे से उतार लेते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक तरीके से और आपको फोल्ड करना बताती हूँ पराठे को। तो सिंपली लोई में हमें यहाँ पे सूखे आटे को डिप कर लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे बड़ा रोटी से बड़ा हमें यहाँ पर रोल कर लेंगे पराठे को। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। इसके बाद हम इस पर घी लगा लेंगे और सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, अंदर के साइड करेंगे, फिर इसके बाद बाहर के हिस्से को उठा करके ऐसे इस तरीके से अंदर बाहर के साइड इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स,
तो इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो इसके भी लच्छे बहुत ही ज़्यादा आते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें फिर से इसको अच्छे से रोल कर लेना है और एंड वाले हिस्से को हम नीचे के साइड दबा देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने ज़्यादा इसमें लच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम गैस की तरफ और इसको भी हम फटाफट से सेक लेते हैं। तो तवे को मैंने गर्म होने के लिए रखा था तो ये अच्छे से गर्म है तवा। इसके बाद हम इस पराठे को इस पर डाल देंगे और जब पराठा एक तरफ से सिक जाए तो हमें यहाँ पे पराठे को दूसरी साइड पलट देना है और इस पर घी लगा लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसमें घी लगा लिया है। अब हम इसको पलट करके दूसरी साइड भी अच्छे से घी लगा देते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको अलट पलट के क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेंगे पराठे को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा दूसरा वाला पराठा भी अच्छे से सेक करके रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ हमारे पराठे जो हैं कितने अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कितने ज़्यादा लेयर आया हुआ है। इसको मैंने अपने तरीके से बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लच्छे भी बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे पराठे बन करके तैयार होंगे। और यहाँ पर आप दूसरा वाला पराठा भी देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे लच्छे हैं। तो आप इस पराठे को अपनी मनपसंद सब्जी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।